हेलो गाइस, वेलकम आपको जो सुपारी पूजा हैप्पी चलने दिवाली। और आज है उत्तराखंड में भगवान, तो हम बना रहे हैं क्या ये भली हुई पूजा। टाइम देखेगा ना, कोई 11 बजे बना रही है। छोटी वाली के दिन बनाते हैं भगवान। और ये देखिए हमारी निशु बहन जी को ये तल रही है पूरियां, आलू की भरी हुई पूरियां। और क्या बनाएंगे, और ये पकौड़ी, ये देखिए खिचड़ी लिया जाए वहां से। एक पूरी गई और एक आ गई, देखिए मतलब। और ये देखिए, ये है क्या, चून का आटा, क्या बोलते हैं शायद रागी भी कहते हैं। तो ये देखिए मामी, तो ये देखिए मंडुए का आटा। हाँ, तो ये मंडुए का आटा, और हमारे यहाँ इसे कहते हैं चून का आटा, ब्लैक ब्लैक, ये देखिए। और ये गाय के लिए बन रहे हैं लड्डू, मामी बना रही है लड्डू गाय के लिए। और मैंने भी नीशू के साथ बनवाई, मतलब वो तल रही थी पूरियों को और मैं उसकी गोली बना रही थी, आलू भर रही थी। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, लगभग बनी गई है, अब मैं यहाँ पर आकर बैठ गई। और आज आ रहे हैं मम्मी पापा, तो वो भी पहुँच जाएंगे, अभी तो ट्रेन में ही हैं, तो 1:30 बजे तक वो भी पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर बैठी है हमारी आरती दीदी, जिन्हें हो चुका है अच्छा खासा कोल्ड और फीवर और वो यहाँ पर धूप आ रही है हल्की सी, तो उसका मज़ा ले रही है। और ये यहाँ पटाखों के पीछे लग गई ये दुकान, ये देखिए कितने सारे पटाखे, ये देखिए मुझे, ये देखिए हमारा किस्सू महाराज बिल्कुल पटाखों की दुकान लगा ली उसने। तो ये देखिए लाइन जा रही है और हम जा रहे हैं कहाँ, चलिए दिखाती हूँ। तो हम जा रहे हैं, हाँ अभी लूंगी ना, तो हम जा रहे हैं अपना बग्वाल मनाने के लिए, कहाँ गाय की छन्नी में। तो यहाँ है हमारी प्यारी सी गाय, ओह मैं गिर जाती, चंपा। तो ये भी हमारी चंपा, ये देखिए ये, तो ये क्या है, ये चावल और मंडवे के आटे, चूने के आटे के लड्डू, भरी हुई पूरियां आलू की, और ये पकौड़ी आलू प्याज की रोटी, और ये टीका हल्दी का, और ये क्या है ऑयल है ना, सरसों का तेल। और ये देखिए चंपा के लिए प्रसाद खाना, और ये चंपा के लिए माला फूल की, कितनी प्यारी सी ये देखिए, ये बनाई है अक्षित ने, और ये हमारी चंपा और वो देखिए वो क्या करेगा, मैं भी दो, तो उसके पैर धो जा रहे, ये देखिए उसके पैर धो जा रहे चंपा के, चंपा तो मामा उसके पैर धो रहे हो, मामा और मामी के अलावा किसी को इतनी आसानी से नहीं आने देती। और टीका मैं लगाऊंगा, रानी का स्वागत किया जाए, तो ये क्या, ये उसको लगाया सरसों का तेल, मैंने कहा छोड़ चंपा को, और इन दोनों की लड़ाई हो रही कि कौन टीका करेगा, कौन माला पहनाएगा। वो तो ना टीका और निशु दीदी के पास, ये हार लेके तैयार, और वो ऊपर से बच्चे देखते रहे चंपा की पूजा हो रही है, पापा कैसे लगा नहीं है? लगा। और ये एक एक करके सब टीका लगा रहे चंपा को, ये देखिए हल्दी का टीका, और अक्षित उसे पहना रहा है माला, चंपा को फूल की माला, चंपा सोच रही है क्या कर रहे हैं आज, और ये किस्सू डरते हुए टीका लगा रहे चंपा को, मार दिए ये लगा लिया। और ये आरती थी चंपा को टीका लगाते हैं, हम भी चंपा को टीका लगा लेंगे। हेलो चंपा, लड्डू खा लो, ये लो, ये चंपा को लड्डू खिलाते हुए आरती, चावल का मैं हाँ, हेलो ये अक्षित, मुझे भी देना, ओ गिरा दिया, आराम से खिला, डर आ गया है, डर वो खाई नहीं रहे, कितना एक मुझे भी देना यार, ऐसे कर रहा है
अच्छा हाँ भीतर कौन ना धावड़ी और ये चंपा पूरी खाएगी। चंपा पूरी खाएगी ये देखिए रोटी। हाँ 10 बटे 10 फुटे। हाँ 15-11 फुटी। हाँ चंपा बहुत खुश हो गई। हैप्पी हैप्पी दिख रही चंपा। और ये निशु आ गई अब चंपा को खिलाने। निशु साइड से आ, निशु साइड से गिराना मत। देखो कहानी मैंने एक लड्डू ऐसे गिरा दिया। पता नहीं जो ने ये निशु की सुबह तो बिल्कुल वही नहीं टकोर नीचे दुइयों पर। चलिए तो आज चंपा बड़ी खुश हो गई। तो ऐसे तो पकड़ा था मैंने। मम्मी आज 2-4 तरह में चंपा मैडम ने खा लिया अपना जो हम लेके गए थे सब उसमें खा लिया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं तो चंपा मैडम बहुत खुश हो गई। और बहुत तेज ही धूप घर चलते हैं। और इसमें भी खिला लिया लड्डू। आधा लड्डू तो नीचे गिरी। चंपा ने मुझे तेज जीभ मारी अपनी। निशु और किशु ने चंपा को ऐसा लड्डू खिलाया कि बेचारी के लड्डू नीचे गिरा दिए। चंपा को भी गुस्सा मारी काटे ऐसे जीभ। तो हमारी चंपा भी गुस्सा हो गई। चंपा के लड्डू खिला दिए। दो लड्डू वेस्ट कर दिए नीचे गिरा के। तो उसे बहुत गुस्सा आ गया चंपा को। मैंने उठा के खिला दिया था दोबारा। कल आ गए थे रुड़की से वापस आ गए थे लेकिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बिल्कुल इतनी भीड़ थी कल क्योंकि धनतेरस था। बहुत भीड़ थी मार्केट में भी तो कहीं पे मैंने नहीं बनाया। और हमें बस मिली, बस भी इतनी खचाखच एकदम भरी हुई थी तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। वैसे भी हालत ख़राब हो रही थी तो बस हम लोग पहुँच गए थे शाम को 5 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। और हमारी निशु बहन यहाँ पूरियों के मज़े उठाती हुई और ये मैंने भी नहीं खाया। मैं भी खाऊँगी अभी लेकिन हमारी बहन को देखिए वाह मजे पूरी के मज़े उठाती भी। ये टेस्टी टेस्टी। चलिए तो हम भी खा लेते हैं। और ये एक और आ गई है अपना। हाय फ्रेंड्स खा लो। हाय फ्रेंड्स खा लो, चाय पी लो, पूरी खा लो। और ये चंपा को खिलाने के बाद 2 मटककली खा ली यहाँ पर, पूरी और पकौड़ी और चाय। और चलिए मैं भी खा लेती हूँ। तो अब हम लोग आए थे अपने छोटे दादा दादी जी के घर पे और ये है हमारी कुलदेवी जी का मंदिर। तो ये रहा तो यहीं पे हम लोग जा रहे थे। मम्मी पापा मैं हम गए, हमने उनके भी दर्शन किए, उनसे भी आशीर्वाद लिया। दर्शन हमने कर लिए और ये यहाँ पर बैठे हुए थे सब, छोटी चाची जी, दादा जी, दादी जी, पापा, मम्मी, मैं और ये देखिए ये है मेरी सिस्टर कज़न खुशी, ये मेरे छोटे चाचा जी की बेटी है। तो यहाँ पर छोटी दादी जो है वो काफ़ी ना इमोशनल हो गई थी। दादी जी को पैरालिसिस है और वो काफ़ी इमोशनल हो गई। वो कह रही थी कि मैं ठीक होती तो मतलब शादी में आती, वहाँ मैं मतलब कैसे आ पाऊँगी। तो यही वो बहुत रो रही थी, बहुत गले रख के ऐसे रो रही थी तो वही मैंने चुपका रही थी। और दादी जी के घर के ठीक बाहर जाके ये है शिव जी का मंदिर। और अब हम लोग जाने लगे थे तो वही छोटे चाचा जी, चाची जी और मेरी कज़न हमें छोड़ने आए थे बाहर तक। तो अब हम जा रहे थे घर नाना जी के। तो मैं खुशी को बोल रही थी कि बाय बाय ओके। तो हम लोग आ गए थे अब दादी जी के यहाँ से घर वापस। और ये लोग यहाँ पर जला रहे हैं, मम्मी, निशु और अक्षित ये तैयारी कर रहे हैं दिए जलाने के लिए, बना रहे हैं रुई की बत्तियाँ। तो वही सब ये तैयारी कर रहे हैं, मैं इनका वीडियो शूट कर रही हूँ। देखिए आरती दी पी रही है चाय और इसे सर्दी जुकाम बुखार है और ये अदरक वाली चाय पी रही बड़े मजे से। और फैशन देखिए, जैकेट नहीं पहन के सिर्फ डेनिम पहना हुआ है, डेनिम वाला जैकेट, मोटा वाला जैकेट नहीं पहन रही है। ब्लॉगर दीदी जल्दी है, ये पागल है ये लड़का। तो ये देखिए हमारी निशु बहन जी कैंडल्स जला रही है और जला नहीं पाई है, पागल लड़की।
हमारे जिग्गू और ये हमारा किशु। ये फुलझड़ी फुलझड़ी ये जला ली है और ये वो निकल गई मेरा। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है अनार और चकरी।